हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। सबसे पहले मैं बता देता हूं, इस बिजनेस को करने के लिए आपको 25 से 30 हज़ार रुपये चाहिए। मतलब 20 हज़ार रुपये से लेके 30 हज़ार रुपये के बीच में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। और दोस्तों इस बात की गारंटी है, अगर आप इस बिजनेस को कर लेते हो और इस बिजनेस को अच्छे से समझ जाओगे तो आप इस बिजनेस से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, बहुत अच्छा। क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो डेली हर घर में यूज होता है, हर घर में ये प्रोडक्ट खाया जाता है। डेली यूज नहीं होता तो एक दो दिन बाद छोड़कर इस प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। बहुत सारे घरों में तो डेली भी यूज किया जाता है। अगर आपने ये बिजनेस कर लिया तो आपको कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा, बस आपको ये देखना कि आपको इस बिजनेस की समझ रखनी है। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है, अगर आपने इसकी ट्रिक जो होती है उनको समझ लिया तो आप कभी ज़िंदगी में मार नहीं खाओगे और इस प्रोडक्ट के साथ आप बहुत सारे प्रोडक्टों को भी बेच पाओगे। और अगर आप मार्केट में उधार डाल सकते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप मार्केट में उधार डाल सकते हो तो जितना चाहे प्रोडक्ट बेच लेना। ये नहीं है कि आपने एक बार डाल दुकानदार को उधार दे दिया तो आपका प्रोडक्ट बस महीने बाद बिकेगा या साल 6 महीने बाद बिकेगा। नहीं, ये हर हफ्ते आपका नया ऑर्डर निकलता रहेगा, एक रूटीन, एक सर्कल घूमता रहेगा ये प्रोडक्ट इस तरीके से। अगर आप कैश बेचना चाहो तो आप कैश बेच सकते हो, उधार बेचना चाहो तो उधार बेच सकते हो। जैसे आप इस बिजनेस को करना चाहो वैसे आप कर सकते हो। इसकी जो जो जितनी जितनी बारीकियां मुझे पता है वो मैं आपको समझा दूंगा। अगर मेरे को कोई प्रॉपर काम करने वाला बंदा मिलता है तो मैं उसके साथ आपकी इस वीडियो को कंप्लीट भी करवा दूंगा। मतलब उसके साथ एक इंटरव्यू टाइप में कर लेंगे कि भाई किस तरीके से आप इस बिजनेस को करते हो, कैसे काम होता है, तो वो चीज़ें भी मैं आपकी करवा सकता हूँ। जितनी मेरे को नॉलेज है, जो मैं मार्केट में गया, मैंने सेल्समैनों से बात करी, मेरे को समझ में आया कि इस चीज़ में क्या खेल है, तो वो चीज़ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पर दोस्तों उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि जो हमारी कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कोई अगर आप कोई भी काम कर रहे हो जिसमें आपको किराना शॉप पे जाना पड़े, ठीक है, तो आप इस प्रोडक्ट को आराम से उसके साथ ऐड ऑन कर सकते हो। और अगर आप शुरुआत करना चाहो कि भाई मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, कि मैं शुरू करना चाहता हूँ, मैंने अभी कोई काम नहीं कर रखा, मैं शुरू करना चाहता हूँ, तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो। क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अपने आप में ही बहुत सारी वैरायटी है। जब आप उन वैरायटियों को समझोगे, खुद से भी नई वैरायटी क्रिएट करोगे, तभी आप मार्केट में बहुत अच्छे से सक्सेस हो पाओगे। और जो बंदे इस काम को कर रहे हैं वो आज के टाइम में बहुत सक्सेस है, बहुत कामयाब है। उधार देने का दोस्तों पता है फ़ायदा क्या होता है? उधार देने का फ़ायदा ये होता है, एक तो जो दुकानदार है वो आपसे कभी रेट नहीं पूछेगा। सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया पॉइंट है कि जिन चीज़ों में जो लूज होते हैं, जिनमें MRP नहीं होती, वो उधार देने में बेनिफिट यही होता है। या जिनके रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, जैसे सरसों का तेल हो गया, इस टाइप के दालें हो गए, इस टाइप के, तो आप इनको उधार देते हो ना, तो क्या होता है इसमें दुकानदार आपसे फिर रेट नहीं पूछता। वो ये कहेगा भाई इतना 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 माल दे दे और जो बिल बना के दे दिया, अगली बार वो आपको दे देगा। तो इस तरीके से आपका उधार का काम भी बहुत अच्छा चल सकता है। ये तरीके होते हैं, अगर आप ऐसे लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है भाई उधार ही देना है। मान लो आपका 100 किलो बिक रहा है, वहाँ आपका 70 बिक जाएगा, 60 बिक जाएगा, उधार मत दो। दुकानदार भी ये देखता है कि भाई ये कैश लेके जा रहा है तो मैं इससे थोड़ा सा रेट खींच के लूँगा, और जो उधार दे रहा है उससे कोई रेट का होता ही नहीं है। एक बार एक दो बार में होता है, फिर चलता रहता है, एक रूटीन चलता रहता है, हाँ भाई इसका ऊपर नीचे चलता रहता है। तो इस तरीके से कोई प्रॉब्लम किसी तरीके से नहीं आने वाली। दोस्तों आज इस वीडियो में जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो है चावल। जो चावल आप खाते हैं, चावल, उसको समझना आप। जो मैं इसके ट्रिक बताने वाला हूँ, तरीका बताने वाला हूँ, उसको समझोगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा।
जैसे चावल है, चावल जो शुरू होता है वो 16 रुपए 17 रुपए किलो से शुरू होता है, जो बासमती की किनकी होती है, ठीक है, 16-17 रुपए से शुरू होता है। और जो चावल होता है वो 50 रुपए 55 रुपए इतना मैक्सिमम होता है, ठीक है। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये है कि चावल के रेट कभी भी ऊपर नीचे नहीं होते, वो साल में या तो 2 बार ऊपर नीचे होंगे या 1 बार होंगे या नहीं होंगे, डेली का कोई पंगा ही नहीं होता है, 6 महीने साल भर में 1-2 बार ऊपर नीचे होता रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है। इसमें मेन ट्रिक क्या होती है, देखो चावल की बहुत सारी, अब चावल जहाँ 16 रुपए से बासमती की किनकी शुरू होती है, वो बासमती की किनकी 28 रुपए तक आती है चावल की, वही किनकी वो दाना अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि आप 16 रुपए भी किनकी है और 28 रुपए भी, वो फर्क होता है उस चावल का। तो जब आप मार्केट में सेल कर रहे हो तो आप ये देखो कि भाई मार्केट में मैं किनकी 16 रुपए वाली उठाऊंगा या 28 वाली उठाऊं या फिर इसके बीच वाले पार्ट उठाऊं। जैसे आपने 22 वाली उठाई, 22 वाली किनकी उठाकर आप मार्केट में 28 रुपए के हिसाब से भी सेल कर सकते हो। 22 वाली किनकी उठाई तो आप उस किनकी को मान लो क्वालिटी उसकी अच्छी है, जैसे मान लो एक आपने 16 वाली उठाई एक 28 वाली उठाई, आपने दोनों उठा के इसको मिक्स मार दिया, 16 वाली में 28 वाली को मिक्स मार दिया जितनी भी 60% 50% 70%, तो उस हिसाब से आपने एक नई वैरायटी बना ली, उस नई वैरायटी का आप रेट अपने हिसाब से बना सकते हो, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से चावलों में बहुत सारी छेड़खानी होती है। कोई भी देखो आप है ना, खुद इस चीज़ को आजमा लेना, आप जहाँ भी रहते हो, गांव में रहते हो, कॉलोनी में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप वहाँ पता करना, उस दुकान पे जाके पूछ के आना कि आपके पास कौन कौन सा चावल है, ठीक है। चाहे उसके 7 वाली दुकान हो, चाहे उससे 4 कदम दूर वाली दुकान हो, और चाहे 1 गली दूर वाली दुकान हो, उस पे आपको दूसरे तरीके का चावल मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा। किसी भी दुकान पे आप कितनी भी दुकानों पे चले जाना, आपको सेम चावल कभी नहीं मिलेंगे। यही तरीके होते हैं। आप जो सेल्समैन आते हैं वो क्या करते हैं, आपको दिखाई 22 वाली किनकी, ठीक है भाई ये 22 वाली किनकी है, और आपको दे दी 20 वाली किनकी, आपको पहचान नहीं है, आपको दिखाई 28 वाली किनकी, ये 28 वाली है, और आपको दे दी 26 वाली किनकी या 25 वाली किनकी, तो आपको समझ में नहीं है। एक नई वैरायटी उन्होंने बनाई 16 और 28 वाली को मिक्स करके, उसकी एवरेज बनती है 20 रुपए, और आपको बेच दी 25 रुपए के हिसाब से, ठीक है। इस तरीके से प्रॉफिट कमाया जाता है। दूसरी बात है, चावलों में जो है ना, चावल जो होते हैं उनमें अपने रेट होते हैं। अब मैं 22 रुपए का कोई चावल खरीद रहा हूँ, मैं आपको उसे 32 रुपए में बेच रहा हूँ, तो वो मेरा है, मैं आपको 32 दे दिया, किसी को 30 दे दिया, किसी को 28 दे दिया, किसी को 34 दे दिया, किसी दुकान पे फिक्स नहीं है। अगर आप दुकानदार थोड़ा, जैसे दुकानदार थोड़ा शाना होता है, शाना मतलब थोड़ा बोलता है कि भाई रेट वेट के चक्कर में ज़्यादा बोलता है, तो उसको थोड़ा सा कम कर दिया, जैसे 34 बोला 32 दे दिया, वो 32 करके 31 पे आ जाएगा, 31 दे दिया। वही चावल किसी को 32 दे दिया, किसी को 31 दे दिया, किसी को 30 दे दिया, तो इसी तरीके से बिकते हैं दोस्तों। तो अगर आप चावल, जैसे चावल है, चावल एवरेज आप मान लो 30 किलो का कट्टा होता है, और 30 किलो वाला चावल ही आप खरीदते हो, तो 900 रुपये हो गया, 900 रुपये का एक कट्टा हो गया, और इसी को जो 900 रुपये का कट्टा हो गया इसको आप मंगाते हो, तो 900 रुपये के हिसाब से अगर आपने 20 कट्टे भी मंगाए तो 18,000 रुपये के हो गए, 30 कट्टे मंगाए तो 27,000 रुपये के हो गए। तो यही तो दोस्तों, तभी तो मैं कह रहा हूँ 20-30 हज़ार रुपये में आप अपने इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, और इसको जब भी आप करके देखोगे ना, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आप कभी भी ना चांदनी चौक चले जाना, चांदनी चौक में जो ये खारी बावली है ना, खारी बावली में चावल मार्केट है, वहाँ पर आपको बहुत सारी चावल की वैरायटी मिलेगी, बहुत सारी, उनसे अलग अलग चावल की वैरायटी के सैंपल लेके रेट ले लेना, उनके पास पाउचेज बने होते हैं जो आपको सैंपल के साथ दे देंगे, उस पर रेट भी लिखे होंगे, और आपको एक प्ले लिस्ट कह रहा हूँ, रेट लिस्ट भेज देंगे जिसमें लिखा होगा, चावल का नाम लिखा होगा, उसका रेट लिखा होगा, इस तरीके से वो आपको दे देंगे। तो वहाँ से आप उनसे ले सकते हो, कर सकते हो। शुरुआत में मान लो कहीं दूर रह रहे हो, शुरुआत में कम मंगा लो यार, मतलब उनको बोलो कि ट्रांसपोर्ट में डलवा दो मेरे 20 कट्टे 30 कट्टे जो भी है, अगर आप गाड़ी करके ला सकते हो तो गाड़ी करके ले आओ 50 कट्टे 100 कट्टे, तो उससे दोस्तों इस चीज़ में कभी मार नहीं खाओगे आप,
चावल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कोई रेट नहीं है। दुकानदार भी 40 वाले चावल को 80 बेच देता है, बेचता है। अब एक बात बताऊँ, 100-120 रुपए किलो चावल आते हैं, कोई भी चावल 50-55 से ज्यादा का नहीं होता, कोई भी चावल 50-55 से ज्यादा का नहीं आता, ज्यादा ज्यादा 60 आ जाएगा, 120 कोई चावल नहीं आता, चाहे कोई कितना ही बड़ा, कितना ही महंगा चावल हो, कितना ही लंबा चावल हो जाता हो, कुछ भी हो जाता हो, समझ में आई। तो ये बेचने के दुकानदार बहुत अच्छा मार्जिन जो कमाता है, दाल चावल इन्हीं में कमाता है, और सबसे ज्यादा कमाता है चावल में। जब आप करोगे तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि आप बहुत सारे बंदे कमेंट करेंगे, अरे कुछ पता ही नहीं होता, खुद ही कर ले। अरे मैं तो कर लूंगा, मैं तो क्या क्या करूंगा, मैं तो आपको बता रहा हूँ आप कर लो। अब मैं सब कुछ करने लग जाऊंगा तो फिर भाई मैं ही कर लूंगा, फिर आप क्या करोगे करके, मैं आपको क्यों बताऊंगा। मैं इसलिए तो आपको बता रहा हूँ, आप भी कर लो, आप करोगे तो फायदे में रहोगे, समझ में आए। ये तो है नहीं कि मैंने कर लिया और आपने भी कर लिया तो आप मेरे कॉम्पिटिटर बन जाओगे, नहीं, आप अपने एरिया में करोगे, मैं अपने एरिया में कर रहा हूँ, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, समझ में आई। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी, जैसे आप करना चाहो। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अलग धमाकेदार बिजनेस आइडिया के साथ।